सड़क की खस्ता हालत के विरोध में भाजपा युवा मोर्चा ने अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने धूल की होली खेलकर विरोध जताया और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। आरोप है कि अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र के अग्रसेन चौक से लेकर बिलासपुर चौक तक सड़क का पिछले 1.5 साल से निर्माण किया जा रहा है। इस धूल के गुब्बारे से मेडिकल कॉलेज के अस्पताल से लेकर स्थानीय लोग परेशान हैं। भाजपा युवा मोर्चा के साथ कार्यकर्ताओं ने सड़क में पड़े धूल के साथ होली खेली और कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री व क्षेत्रीय विधायक टीएस सिंह देव के बंगले से गुजरने वाला सड़क नहीं बन पा रहा है। विधायक और मंत्री के घर के बगल की यह सड़क है, उनके घर के सामने से गुजरने वाली यह सड़क है। पिछले 1.5 सालों से इसका निर्माण अधूरा पड़ा है। अक्टूबर 2021 में इसको बनकर तैयार हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक इसके हालात को आप देख सकते हैं। धूल की परतें जमी हुई है लोगों के घर में। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, शिशु मातृ शिशु अस्पताल है और डस्ट डाल के ऐसे छोड़ दिया गया है। लोगों का सांस लेना दुभर हो रहा है, सांस की बीमारी होने का खतरा है। 5 वार्ड के लोगों ने परेशान होकर के अधिकारियों से बार बार बात करने के बावजूद कुछ नहीं हुआ। इसके लिए कल कलेक्टर साहब से भी हमने मिला है और किसी भी सरकार के नुमाइंदे इस सब मिलने के लिए हमसे तैयार नहीं है। मजबूरीवश होली के त्यौहार में जब हमारे घर साफ सुथरे नहीं रह पा रहे हैं, इन 5 वार्ड 6 वार्ड के लोगों को मजबूरी बस सड़क में उतर कर धूल की होली खेलने के लिए विवश होना पड़ा है। तो समझा जा सकता है कि जिले के और इलाकों का क्या हाल होगा। वहीं स्थानीय लोगों ने इस मार्ग का नाम धूलपुर रख दिया है। इस धूल भरी सड़क से बाहर से आने वाले मरीज से लेकर स्थानीय लोग बहुत परेशान हैं। आप यहाँ पर 5 मिनट खड़े होकर के देखिए, आपको पता चल जाएगा क्या है। आप यहाँ खड़े होंगे तो आपके सिर के ऊपर, बाल के ऊपर, आंखों के ऊपर इतनी धूल जम जाएगी आप पूछे मत। हम लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है और हम लोग दुकानदार इंसान हैं, हमारी दुकान दिन भर खुली रहती है, हम उसे बंद नहीं कर सकते हैं। आप हमारी दुकान में जाकर देखिए, चारों तरफ धूल ही धूल नजर आएगी आपको। और हम जाकर के देखिए, अगर आप वहाँ 5 मिनट बैठ जाएंगे तो मैं मान जाऊंगी कि आप इस धूलपुर में रह पाएंगे। इसीलिए हमने इस जगह का नाम धूलपुर रख दिया है। साल भर हो गई सड़क को बनते बनते, साल भर से नहीं बन पाया है और ऊपर हो गया है साल भर से। इससे तो बीमारी का भी खतरा बना हुआ है, बिल्कुल बनी हुई है। सांस की बीमारी हो जाएगी आगे चल के हम लोगों को, खांसी लगी रहती है। ऐसे में अब देखना होगा कि मीडिया द्वारा ये खबर दिखाए जाने के बाद क्या इस सड़क की हालत सुधरेगी या फिर ऐसे ही लोगों को खस्ता हाल सड़क का सामना करना पड़ेगा। अंबिकापुर से जयप्रकाश इक्का की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।